हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए डिजाइन का पायदान लेकर के आए हैं। इसके लिए हमने ये देखिए 8 नंबर की सिलाई ली हुई है, 8 नंबर की सिलाई है, और हमने ये 1-1 इंच साड़ी से पट्टी निकाल रखी है 1-1 इंच की। आप इसे माइक्रेम, ऊन, साड़ी, चुन्नी किसी भी चीज़ से बना सकते हो, या आपके पास कोई भी कपड़ा है उससे आप बना सकते हो। ये देखिए, हमने एक नॉट लगा लिया है, इस तरह से इसको सिलाई में डाल लिया। अब इसमें फंदे डालेंगे, ये देखिए, ऐसे क्रॉस कराते हुए एक फंदा, ये जो नॉट लगाया था उससे हो गया, ये 2 फंदा हो गया, 3, 4, 5, देखिए इस तरह क्रॉस कराते हुए, 6, 7, इस तरह से फंदा डालना बहुत आसान है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें हम टोटल 16 फंदे डालेंगे। ये देखिए, हमने 16 फंदे डाल लिए हैं। अभी सब सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से निकालते हैं, नहीं तो बीच में गैप आ जाता है। इस पायदान को बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप इस तरह से उल्टा उल्टा बना सकते हो, अगर सीधा सीधा बनाना चाहो तो सीधा ही बना सकते हो। देखिए, जैसे हम ये उल्टा बना रहे हैं तो दोनों साइड से उल्टा बनाएंगे, अगर सीधा बनाएंगे तो दोनों साइड से सीधा बनाएंगे। ये देखिए, हमने ये उल्टे उल्टे उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से फंदा, तो और भी तरीके से बढ़ते हैं लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो इस तरह से सिलाई पे पट्टी को लपेटते हुए हम फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, बाकी बीच में कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। अगर आप सीधा सीधा बना रहे हो तो दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते जाना है। मैं आपको ये 16 फंदे से बता रही हूँ, आप इसी तरह से जितना भी बड़ा बनाना चाहो, 30, 40, 50, जितने भी फंदे का बनाना चाहो आप इसी तरह से बना सकते हो। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया था उसी तरह से अब यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, पट्टी को सिलाई के ऊपर से इस तरह से लपेटते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, एक एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया था और एक फंदा भी यहाँ पे बढ़ गया, तो दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ गए। ये देखिए, बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, इसी तरह से बनाते हुए पूरी सिलाई उल्टा उल्टे उल्टे की बना करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमने फंदा बढ़ाया था इसको भी उल्टा ही बुन लेंगे। ये देखिए, अब वापस जैसे हमने पहले बढ़ाया था दोनों साइड, ये पट्टी को सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए, इस तरह से घुमाते हुए ऐसे घुमा करके देखिए ये फंदा बढ़ गया। पहले एक फंदा बढ़ाया था, एक फंदा और बढ़ गया। इसी तरह से दोनों साइड हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। ये देखिए, जो ये फंदा बढ़ा हुआ है इसको भी बुन लेंगे। ये देखिए, अब एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि फंदा कैसे बढ़ाते हैं। ये देखिए, इस तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर से लपेटते हुए फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदा इस साइड बढ़ गया और 2 ही फंदा इस साइड भी बढ़ गया। तो इसी तरह से 4 फंदा इस साइड और 4 फंदा इस साइड बढ़ा लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से ये 4 4 फंदे बढ़ा दिए, 4 फंदा हमने इस साइड से बढ़ा दिया और 4 फंदा इस साइड से। ये देखिए, उल्टे की 4 लाइन दोनों साइड से बन गई है। देखिए, 1 2 3 4, ऐसे 4 लाइन इस साइड से भी बन गए, 1 2 3 4, दोनों साइड से 4 4 लाइन उल्टे की बन गई है। और ये देखिए,
अब हमने 16 फंदे डाले थे, 24 फंदे हो गए हैं। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 22 24 दोनों साइड से ये चार चार फंदे बढ़ गए। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। तो ये देखिए, अब हमने दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाए थे। जैसे हमने दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाए थे, वैसे ही हम दोनों साइड से अब एक एक फंदे कम करेंगे। तो यहाँ से हम ये दूसरे कलर की पट्टी लगा रहे हैं, ये देखिए। तो अब ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे, ये देखिए। यहाँ से हमने ये पट्टी लगा ली है, तो ये एक फंदा घट गया। अब इस पट्टी को इस पट्टी के अंदर दबा लेंगे, तो फिर ये पता नहीं चलेगा। ये देखिए, इस पट्टी को इस पट्टी के अंदर दबा लेंगे इस तरह से। अब एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया, बाकी के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये देखें। इसको कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। ये दूसरे कलर की पट्टी हम हमेशा उल्टे साइड से लगाते हैं, ये देखिए। जैसे हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया था, वैसे ही अब यहाँ पे भी एक फंदा घटा लेंगे, ये देखिए। दो फंदे को, ये देखिए, दो फंदा हमने एक साथ ले लिया और इसको बना देंगे, ये देखिए। तो ये फंदा घट गया और बाकी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से हमने एक एक, इस साइड से भी और इस साइड से भी एक एक फंदा हमने घटा दिया है। और ये देखिए, इधर दोनों साइड से एक एक उल्टे की सिलाई हमने बना करके कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, दोबारा वैसे ही फिर जैसे हमने पहले घटाया था, वैसे ही ये दो फंदे को एक साथ लेकर के बुन देंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस पट्टी को भी साथ में ऐसे लेते जाएंगे, ये देखिए, इसको इस तरह से दबा करके, क्योंकि आगे हम फिर इसे आगे जब बनाएंगे दूसरी कली, तो इस पट्टी से ही हमें बनाना है। तो इस पट्टी को इसमें साथ में दबा करके लेते जाएंगे, तो ये पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये देखिए। मैं इसे दो कलर से ही बना रही हूँ, आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। ये देखिए, एक बार मैं और आपको फंदा घटाने का बता देती हूँ। देखिए, दो फंदा तो हमने इस साइड से घटा लिया और एक फंदा इधर इस साइड से घटा लिया था, अब एक फंदा और घटाएंगे। ये देखिए, हर बार जैसे हमने एक एक फंदा बढ़ाए थे यहाँ पे हर सिलाई में, वैसे एक एक फंदा दोनों साइड से हमें घटाना है। तो ये देखिए, दो फंदा एक साथ ले लेंगे और इनको बुन देंगे, ये देखिए। और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हम चार फंदा इस साइड से और चार फंदा इस साइड से, दो फंदा हमने घटा लिए, दो और घटा लेंगे। इतना बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमने ये चार फंदा इस साइड से और चार फंदा इस साइड से, दोनों साइड से हमने चार चार फंदे घटा दिए। जैसे हमने एक एक फंदा करके चार फंदे बढ़ाए थे, चार इस साइड से और ये चार फंदे इस साइड से। अब इसी तरह से दोनों साइड से हमने एक एक करके चार फंदे घटा दिए हैं। अब ये कली पूरी बन करके तैयार हो गई। वापस फिर हम इसी कलर से बनाएंगे, ये देखिए। अब हमने यहाँ पे ये इसको साथ में लिया था, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक खींचते तो काफ़ी गैप आ जाता। अब ये देखिए, साथ में लेने की वजह से ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ से अब इस कलर की, ये देखिए, इस कलर की पट्टी से हम बनाएंगे। अब इस कलर की पट्टी से यहीं से हम फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे हमने उस बार बनाया था। ये देखिए, पट्टी को इस तरह से सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए, ये देखिए, हमने फंदा बढ़ा लिया। बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा इसी तरह से बुन करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लेंगे, ये देखिए। ये देखिए, ये एक कली बन गई है। अब यहाँ पे हमने दूसरी कली स्टार्ट कर दी है। आप चाहो तो मैं ये दो कलर से बना रही हूँ, आप चाहो तो इसको अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। ये देखिए, आपके पास थोड़ा थोड़ा अगर कपड़ा बचा हो,
तो एक एक कली हर जो भी कली है वो सभी अलग अलग कलर से भी बना सकते हो आप। ये देखिए अब इस तरह से पट्टी को इस पर घुमाते हुए सिलाई के ऊपर से ये देखिए इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। अब ये देखिए वापस जैसे हमने ऐसे घुमा करके पट्टी को सिलाई के ऊपर से फंदे बढ़ाया था वैसे ही इसमें भी बढ़ाते जाएंगे इस तरह से ये देखिए, और इस पट्टी को इसके साथ में लेते जाएंगे ये देखिए इस तरह से। तो जैसे ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ये देखिए साथ में हमने लिया था तो ये पट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे इस पट्टी को भी इसके साथ में लेते जाएंगे क्योंकि आगे हमें फिर जैसे ये बनाया है तो वापस इस पट्टी को ही हमने लगाना है तो इस वजह से इसके साथ में इस तरह से दबा के लेते जाएंगे ये देखिए। इसी तरह से मैं और भी कली बना लेती हूँ पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे इतना बना लिया है, आप इसी तरह से जितना भी बड़ा बनाना चाहो उतना आप बना सकते हो। ये देखिए इसी तरह से दोनों कलर लगाते हुए अगर आप मल्टी कलर में बनाना चाहते हो तो एक एक कली जो ये है एक एक बॉक्स है ये अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। तो ये देखिए अब मैं आपको बस इतना ही बना करके बता रही हूँ, अब आगे इसको फंदा कैसे बंद करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कहीं भी सिलाई नहीं लगेगी ये देखिए, इसमें सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस बनता जाएगा। अब नीचे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 16 फंदे डाले हैं और 4 फंदे दोनों साइड से बढ़ाया तो इसमें ये 24 फंदे हो गए। आप इसी तरह से जितना भी बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो। अब ये देखिए फंदे कैसे बंद करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दो फंदा एक साथ लेंगे, इसको बंद बुन दिया, एक फंदा वो घट गया एक बच गया, वापस सिलाई में डालेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे ये देखिए, फिर वापस सिलाई में डालेंगे, आगे से एक फंदा लिया ये देखिए, इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर देंगे, इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए प्यारा सा पायदान बनकर के तैयार हो गया जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।